तो बेटे आज का लेक्चर है कंसंट्रेशन टर्म्स का। कंसंट्रेशन टर्म्स की जहां तक बात करें तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कंसंट्रेशन होती क्या चीज है। देखो बेटा, जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन का एक्चुअल मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है वो बेटा कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है। नाउ अमाउंट बताने के कई सारे तरीके हमारे पास हो सकते हैं, मेनी वेज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो पहले सब माइनर टर्म्स होती हैं, माइनर टर्म्स जिसका ज्यादातर एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता है, बट येट There are number of questions based on this. उसमें सबसे पहला हमारे पास आएगा weight by weight percentage. देखो भाई, weight by weight percentage या इसको हम simply mass percentage भी कई लोग बोल देते हैं, mass percentage भी कई लोग बोल देते हैं। अब physics वाले बच्चे फटाफट से बोलेंगे सर weight और mass में फर्क होता है। Yes, I know, weight और mass में फर्क होता है, ठीक। लेकिन हम chemistry में बेटा हम यही मान के चलते भैया हमने अर्थ पे ही सब कुछ करना है, इसलिए ग्रेविटी सब पे बराबर है। तो जिसका वेट होगा ना उसको मास की तरह ले सकेंगे, समझ में आई बात, ठीक। तो मतलब रेशो वही रहेगी एटलीस्ट। तो हमारे पास मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज की जहां तक बात करें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना वेट सॉल्यूट का डिसॉल्व है वो हमारे पास होता है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटे इसमें अगर मैं तुमसे कल को ये बोल दूंगी कि मेरे पास है 10% H2SO4 सॉल्यूशन, so what does we mean by 10% H2SO4 solution? What does it mean? It is 10% H2SO4 solution weight by weight. तो इसका मतलब होगा कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी, सॉल्वेंट नहीं सॉरी सॉल्यूशन, 10 ग्राम of H2SO4 in 100 gram of solution, that is weight by weight percentage. So weight by weight percentage will be 10 gram of H2SO4 in 100 gram of solution. अब देखो बेटे इसमें अगर हम निकालें weight by weight percentage, हमें calculate करना हो तो वो कैसे किया जाता है? Weight by weight percentage हम निकालते हैं weight of solute by weight of solution into 100 weight of solute by weight of solution into 100. This is a simple sa question. Agar hame de diya jaye aur humse ye bol diya jaye ki 9.8 gram ya aise bol diya jaye 15 gram of H2SO4 is dissolved in 15 gram of H2SO4 is dissolved in 250 ग्राम ऑफ वॉटर या सॉल्यूशन या वॉटर, फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज, फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज। हमें सिंपल क्वेश्चन दिया है, ये कोई मुश्किल नहीं है। 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वॉटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। सी यहां पे वेट बाय वेट परसेंटेज जब निकालेंगे तो हमारे पास 15 ग्राम H2SO4 इज दिस, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? सी दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, तो दोनों मिला के या 265, ठीक। ज्यादातर लोग यहां पे 250 भर देते हैं, तो इंटू क्या आ गया 265 और इंटू कर दोगे 100, तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज ऐसे निकल जाएगी, तो ऐसे वेट बाय वेट परसेंटेज निकल जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास कि वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे होगी, ठीक।
उम्मीद करता हूं वेट बाय वेट परसेंटेज आपको समझ में आ जाती है। ठीक, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, अब नेक्स्ट बात। कई बार हम सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में या लिक्विड में या गैस में, या गैस में बनाते हैं या सॉल्यूशन लिक्विड में बनाते हैं, तो बेटर टर्म इज वॉल्यूम विच कैन बी यूज। तो हमने एक और कंसेंट्रेशन टर्म इसमें ली है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देखो भाई, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। यानी कल को अगर मुझे ऐसा बोल दिया जाए कि 10% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम, अगर मैं इसकी बात करूं 10% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम था तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया और सॉल्यूट का क्या ले लिया? वेट ले लिया। अगर मुझे इसको निकालना होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को निकालना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल टर्म और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपको दिया होगा वेट, दिया होगा ठीक, और वॉल्यूम दिया होगा, वेट बाय वॉल्यूम पुट कर लेना, सीधे आ जाएगा। तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टर्म टू एक्सप्लेन। पर कई बार हमारे पास सॉल्वेंट भी गैस है और मान लो सॉल्यूट भी गैस है, या सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, ऐसे में सबसे बेटर रहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना। तो अगली बात हमारे पास आ जाती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक, इसका मतलब क्या होगा? अब सब कुछ वॉल्यूम में आएगा, यानी हम यहां पे बोलेंगे इसका मतलब होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का 100 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। जैसे बेटे हमारे पास आ जाएगा 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की जहां तक बात करें, तो उसमें आ जाएगा 10 मिलीलीटर ऑफ, से मान लो 10% H2SO4 दे रखा, तो मतलब 10 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का 100 मिलीलीटर होगा अगर हमने 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोला। यानी अगर इसको निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को निकालना है, तो वेरी सिंपल है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है जी। तो ये तीन सिंपल टर्म्स हमारे पास आई। सबसे पहले आई वेट बाय वेट परसेंटेज, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मींस वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। तो ये तीन तरीके से हम बेटा निकाल सकते हैं अपनी सिंपल कंसंट्रेशन, बहुत सिंपल जो होता है वो हम ऐसे कर सकते हैं। आई थिंक सो ये पहली बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, 2+2 वाली चीजें हैं। सो ये छोटी मोटी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई।
इसी के साथ हम एक चीज और यूज करते हैं बेटा, जैसे अगर हम म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई है, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई को प्योर करने लगते हैं, तो प्योर करते हुए हम उसमें ऐड करते हैं बेटा क्लोरीन। इन म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई वी ऐड क्लोरीन टू प्योरीफाई द वाटर, बट क्लोरीन मस्ट बी एडेड इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स सो दैट वाटर शुड नॉट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ HCl, नहीं तो वाटर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो बहुत ही कम अमाउंट हमें किसका चाहिए होता है, हमें बहुत कम अमाउंट सोल्यूट का चाहिए होता है। तो ऐसे में बेटे हमारे पास अगली बात आ जाती है जिसको हम बोलते हैं ppm, parts per million, ppm parts per million, ppm का मतलब है parts per million। जब बच्चा लोग parts per million की तुम बात करते हो, parts per million का मतलब होता है number of parts of solute, parts of solute dissolved, number of parts of solute dissolved per million part of solution। अगर solution के मैंने 1 million part कर दिए तो उसमें कितने पार्ट सोल्यूट के हैं, वो ppm होता है। यानी बेटे इसको हम बाय वेट भी निकाल सकते हैं, इसको बाय वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। अगर हम बाय वेट निकालते हैं इसको, ppm बाय वेट, जनरली हमारे पास ppm का मतलब बाय वेट होता है एक्चुअली, तो ppm निकालते हैं तो ऐसे होता है ppm दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10^6, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10^6, ये ppm हो गया बाय वेट। बट लेटर ऑन साइंटिस्ट ने इसको बाय वॉल्यूम भी लिखना शुरू कर दिया, और बाय वॉल्यूम जब हम इसको लिखते हैं तो बाय वॉल्यूम आ जाता है ppm दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10^6, तो बाय वॉल्यूम भी लिख लिया जाता है। सो नाउडेज इट कैन बी रिटन बाय वेट और बाय वॉल्यूम। 10^6 इसलिए लिया क्योंकि 1 मिलियन का मतलब 10^6 होता है, तो ऐसे ppm निकालते हैं। इसी का एक और होता है ppb, पार्ट्स पर बिलियन। अब बिलियन में ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई सिर्फ 10^9 से कर देंगे, यानी पर बिलियन पार्ट के हिसाब से देख लेंगे तो वो ppb हो जाएगा। तो कोई खास बात इसमें मेरे को नजर नहीं आती जो आपको बता सकते, ठीक। एंड इसके क्वेश्चन आर वेरी इजी, आपको वेट दिया होगा, आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन भी दिया होगा, आपने पर ppm निकालना है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट, ठीक है जी। नाउ ppm ppb हो गया। अगली बात हमारे पास जो आएगी बेटे वो आएगी हमारे पास ppm ppb स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे प्लस टू में अगर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो बेटा प्रैक्टिकल्स में आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करवाया जाए, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशंस होंगी, टाइट्रेशन में आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालने को आता है, या स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आएगा या बेस आएगा, या स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। स्ट्रेंथ होता क्या है बेटा, स्ट्रेंथ इज नथिंग, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड पर लीटर, पर लीटर वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के एक लीटर में कितना वेट आपके सॉल्यूट का डिसॉल्व्ड है वो स्ट्रेंथ होता है। यानी स्ट्रेंथ को अगर मैं एस से शो करता हूं तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, ठीक, इन लीटर। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होता है तो यहां इन 2000 कर देंगे, ठीक है जी। ये स्ट्रेंथ है। इसका आगे रिलेशनशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट विद मोलारिटी नॉर्मेलिटी विच विल बी यूज्ड इन योर एग्जामिनेशंस, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। बट हाँ बेटा, अगर हम वेट बाय वॉल्यूम लेते थे उसमें भी तो ऐसे ही था, पर उसमें पर 100 था। तो देखा जाए
अगर मैं ऐसे लिख दूं कि स्ट्रेंथ इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू 10, तो एक ही बात होगी, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहां कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से। तो ऑब्वियसली अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा वो स्ट्रेंथ होती है। तो ये हो गई स्ट्रेंथ। तो ये चार पांच माइनर कंसंट्रेशन टर्म्स। पर अब यहां एक खास बात समझनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से समझ लें। मान लो कभी मेरे को ऐसे दे दिया जाए 10% X+O4। अब मुझे तो ये लिख के नहीं दिया कि वेट बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, कुछ नहीं लिख के दिया। अगर नथिंग इज मेंशन तो इट मस्ट बी टेकन वेट बाय वेट, मस्ट बी टेकन वेट बाय वेट। इफ नथिंग इज मेंशन इट मस्ट बी टेकन वेट बाय वेट, इसको वेट बाय वेट ही मान के चलना है। If nothing is taken, it should be taken as weight by weight. But in questions of osmotic pressure, इसी chapter के end में osmotic pressure आएगा। Osmotic pressure के question में अगर बिना कुछ mentioned है तो वो weight by volume is taken, weight by volume percentage is taken, ठीक। तो जब कुछ भी mentioned नहीं होता तो weight by weight लिया जाता है, पर जब कभी क्वेश्चन तुम्हें दूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर का तो बेटा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ले लेने का। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? सर ये लास्ट पॉइंट एक बार दोबारा बता दो। देखो सिंपल बात ये है कि हमारे पास अगर हमने कुछ नहीं लिख के दिया है तो वेट बाय वेट लेना है, बट अगर क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर का होगा, कुछ भी लिख के ना दिया तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। मूविंग टुवर्ड्स द मेजर थिंग जिसके ऊपर हमें पढ़ाई करनी है, मेजर चीजें जो है जिसके ऊपर वर्कआउट करना है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो क्या है बेटा? मेजर कंसेंट्रेशन टर्म्स। अब ध्यान से पढ़ना है मेजर कंसेंट्रेशन टर्म्स। अब मेजर कंसेंट्रेशन टर्म्स की जहां तक हम बात करें तो मेजर कंसेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, मेजर कंसेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? देखो बेटा, मेजर कंसेंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास सबसे पहली बात आती है मोलारिटी। मेजर कंसेंट्रेशन टर्म में सबसे पहली बात आती है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं मोलैरिटी क्या होती है। बेटा मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन का एक लीटर लेते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल जो है वो डिसॉल्व है, उसको मोलैरिटी बोला जाता है। सो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी बेटे जी जहां तक मोलैरिटी की बात करें, ठीक, तो मैंने बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अगर मोलैरिटी मुझे निकालनी है, इसको कैपिटल एम से शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, और वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, नॉट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम हम इसमें लेके चले, ठीक, लीटर में। अगर लीटर में नहीं होती, क्योंकि जनरली हमारे पास सॉल्यूशंस में हम लीटर में नहीं लेके चलते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर वॉल्यूम मैंने मिलीलीटर में ली है तो ऑब्वियसली मुझे उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा। अगर इसको डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स अ न्यूमरेटर, तो इनटू 1000 कर देंगे हम, ठीक। तो ऐसे करके मोलैरिटी हमारे पास आएगी, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम
into 1000, given weight upon molar weight into volume into 1000. ठीक है जी, ये हमारी मोलैरिटी आएगी. This will be our molarity. ठीक है जी. अब हमने यह नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर दिया है गिवन वेट बाय मोलर वेट. यहां पे WB वेट ऑफ सॉल्यूट है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है. ठीक, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, खास बात इन मिलीलीटर्स. तो ये मोलैरिटी की हमारे पास फॉर्मूला हो गया. ठीक, मोलैरिटी को कई बार कई तरीके से लिखा जाता है. जैसे अगर आपको बोल दिया डेसी मोलर, अगर आपको बोल दिया डेसी मोलर, डेसी मोलर तो मतलब 10^-1, यानी 10^-1 मोलर, यानी 0.1 मोलर. कल को आपको बोला सेंटीमोलर, सेंटीमोलर 10^-2 मोलर. ठीक, कल को बोला मिलीमोलर, मिलीमोलर तो 10^-3 मोलर. कल को आपको बोल दिया सेमीमोलर, सेमीमोलर दैट मींस m/2, यानी हाफ. m/2 का मतलब 0.5 मोलर. इस तरह से डेका मोलर 10 मोलर इज डेका मोलर. इस तरह पेंटी मोलर. ठीक, ऐसी सी चीजें हमारे पास यूज होती हैं. ठीक, उसका ध्यान रखने का एक खास बात, इफ मोलैरिटी सीन, मोलैरिटी इज सीन एट 0°C. अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0°C पे देखी जाती है, इट इज कॉल्ड एज डीमल कंसंट्रेशन. इट इज कॉल्ड डीमल. तो डीमल मोलैरिटी का ही एक मतलब है. ठीक, और ये जो मोलैरिटी है, ठीक, ये 0° पे अगर देखेंगे तो डीमल लिखेंगे, डी. ठीक, अदरवाइज हम मोलैरिटी लेते हैं, हम रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं, इसलिए मोलैरिटी लेते हैं. तो पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू करूंगा और इसके हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन तक हम जाएंगे. ठीक, थोड़ा सा ध्यान देते जाना और इन क्वेश्चंस को बेटा मैं तुम्हारे टेस्ट में डालूंगा, गलत हुए तो मेरे से बुरा कोई नहीं. ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन हमारे पास होता है हमेशा ही. हमें बोला 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in, 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 milliliter ऑफ वॉटर, 250 milliliter ऑफ वॉटर. फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. सी, इन दिस क्वेश्चन सबसे पहली बात हमें दिया है, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है प्लीज वो जर न्यूमेरिकल करने का तरीका सीख लें, दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगी. सबसे पहले नोट करा करें क्या दिया है. हमें दिया डब्ल्यू बी कितना, 4 ग्राम. ठीक, हमें यहां पे वॉल्यूम दिया पर सॉल्वेंट का दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 250 मिलीलीटर. ठीक, और निकालना क्या है, निकालनी मोलैरिटी है. सर वॉल्यूम दिया है सर, आपने वेट लिख दिया. वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 250 मिलीलीटर. ठीक, तो हमारे पास वेट हो गया 4 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो गया 250. अब मोलैरिटी जो होती है वो होती है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, वॉल्यूम मिलीलीटर में. एक्चुअली यहां पे हमें सॉल्यूशन का चाहिए, वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूशन का. तो सर आपने सॉल्वेंट क्यों लिखा था, वो मैं समझाता हूं. देखो बेटा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए, पर क्या है कि यहां पे 4 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर में डिसॉल्व किया है,
तो 4 ग्राम NaOH का वॉल्यूम बहुत ही नेग्लिजिबल होगा क्योंकि दिस अमाउंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 250 मिलीलीटर। तो इसका वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल होगा, इसलिए ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, कोई खास फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसलिए यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो दिया है वही पुट कर सकते हो बिकॉज सॉल्यूट इज वेरी लेस, तो उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा। ठीक, तो ऐसे केस में जब हम मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी गिवन वेट है 4। अब मॉलिक्यूलर मास चाहिए, किसका चाहिए? NaOH का। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH इज 40, सो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 40। और वॉल्यूम मैंने कहा क्योंकि ये वेट बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू 250, तो हम 250 एज इट इज पुट कर सकते हैं यहां पर और इनटू 1000। ठीक, नाउ यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली, आंसर विल कम आउट टू 0.4 मोलर। यूनिट इसमें मोलर लिख दिया, इस मोलर की जगह ये यूनिट मोल पर लीटर भी लिखा हो सकता था, एक ही बात होनी थी, मोल पर लीटर या मोलर, कैपिटल एम लिख दो या मोल पर लीटर लिख दो। ठीक है जी, बट खास बात, अगर यहां पे वेट बहुत ज्यादा होता, से 40 ग्राम के करीब होता, तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ कंसिडरेबल वॉल्यूम, तो हम ऐसे इसको पुट नहीं कर सकते, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है, और उसके वॉल्यूम के लिए बेटे हमारे को डेंसिटी भी होनी जरूरी थी, फिर वो क्वेश्चन में डेंसिटी भी दी। डेंसिटी से इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। पर आप ये इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि कहां ये बहुत कम होगा, कहां ये बहुत ज्यादा होगा। आप समझो यार, अगर 3-4% है भी तो 3-4% इज नथिंग, ये तो इसका 2% से भी कम है, तो इट इज नथिंग। इसलिए मैंने यहां वॉल्यूम का चेंज नहीं किया। हाँ, अगर 40% ये 40 ग्राम 50 ग्राम ऐसे दिया होगा तो डेफिनेटली इट विल हैव अ क्रेडिटेबल वॉल्यूम, तो फिर उसका वॉल्यूम निकालना पड़ता। बोलो अभी क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? ये सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन था। ठीक, अब चलो आगे, अब थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलते, नाउ मूविंग वन स्टेप फर्दर। एक स्टेप ऊपर हमारे को पूछा फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 9.8% H2SO4 having density 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 9.8% H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। सी, सबसे पहली बात है कि 9.8% H2SO4 का क्या मतलब है? तो मिस्टर अनीश, क्या मतलब है 9.8% H2SO4 का, जल्दी बोलो। अनीश जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9.8% H2SO4? सर, 9.8 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाक पर रख के मारो मदर, इसका मतलब है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं ऑलरेडी लिखवाया हूं तुम्हारे, जब वेट बाय वेट लिखवाया है मैंने, तो मैंने लिखवाया तुम्हारे को कि 10% H2SO4 का मतलब क्या है, फॉर्मूला बताने लगे हुए मेरे को। So, मेरे पास 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये गिवन है हमारे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया है वो 9.8 ग्राम दिया, पहली बात। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वो पता है 98 होता है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, छोटे बच्चे तो हो नहीं जो नहीं पता है, अभी तो तुम जानते हो इसको। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वो दे रखा है 100, और हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखी है
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे को दे रखे 1.1 और हमसे पूछी है मोलैरिटी, तो कैसे निकालोगे मोलैरिटी? मोलैरिटी निकालोगे गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000. सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम. चेकलिस्ट करो कि हमारे पास क्या क्या नहीं है. क्या हमारे पास ये है? यस सर. क्या हमारे पास ये है? यस सर. क्या हमारे पास ये है? नो सर. तो पहले वॉल्यूम जो होती है वो निकालने का. वॉल्यूम होता है वेट अपॉन, जैसे कि आपको पता है कि डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट, यानी वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा. तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इज वेट अपॉन डेंसिटी हो जाएगा. तो इसको यहां पुट करो वॉल्यूम को. जब यहां पुट करोगे तो मोलैरिटी कम आउट टू बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन. ऊपर चला गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000. नाउ चेक योर लिस्ट. डू वी गेट, डू वी हैव डब्ल्यू बी? यस सर. डू वी हैव एम बी? वेरी वेल सर. वी हैव डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन? यस सर. वी हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? यस सर. सो पुट इट नाउ एंड कैलकुलेट योर आंसर. सो हमारे पास यहां आएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 98. वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100, डेंसिटी इज 1.1 इनटू 1000. ये कट गया, यहां से हट गया, तो आंसर आ गया 1.1 मोलर. सो जब कभी हमें डेंसिटी दे दी गई हो और वेट बाय वेट, मैंने कहा था जब भी हमें परसेंटेज में कुछ लिख के ना दिया गया हो तो उसका मतलब वेट बाय वेट होता है. तो एक नया फॉर्मूला है कि मोलैरिटी इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000. सो दिस इज अनदर फॉर्मूला. व्हेन वी हैव डेंसिटी एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, फॉर द सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन. बोलो एम आई क्लियर और नॉट? ओके. नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. नाउ लेवल समवट मोर, थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूं, हल्का सा और. अगला मैंने इंक्रीज किया लेवल, मैंने कहा फाइंड द मोलारिटी ऑफ HCl having density 1.17 ग्राम पर मिलीलीटर. अब क्या है, अब तो हमें वेट भी नहीं दिया, हमें सिर्फ डेंसिटी दी है. ना हमारे पास ये दिया है, ये तो चलो हमें पता है, ना हमारे पास ये दिया है, हमें तो सिर्फ डेंसिटी दे रखी है. तो क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हो? यू कैन नॉट. तो ऐसे क्वेश्चन को जिसमें सीधे सीधे सिर्फ डेंसिटी दी है, ओनली डेंसिटी इज गिवन, हाउ इट शुड बी सॉल्व? सी हियर वी हैव डेंसिटी, डेंसिटी होता वेट बाय वॉल्यूम. वेट है 1.17 ग्राम, वॉल्यूम इज 1 मिलीलीटर. तो समझ में आता है कि दिस इज द वेट एंड दिस इज द वॉल्यूम. ठीक, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि यहां वेट जो है HCl का वो 1.17 ग्राम है और जो वॉल्यूम है वो 1 मिलीलीटर है. ठीक, अब ऑब्वियसली जब मैं मोलैरिटी निकालूंगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 करूंगा. सब कुछ तो दिया है, कुछ ना दिया लेकिन सब कुछ दिया है. तो हमारे पास वेट आ जाएगा 1.17, मोलर मास 36.5, वॉल्यूम 1 मिलीलीटर इनटू 1000. सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन ऑट टू बी सॉल्व. बोलो ये क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता? जल्दी बोलना यस और नो. ओके,
So this was another question based on molarity of HCl. ठीक, जब हमारे पास सिर्फ क्या दिया density, nothing else is given, only and only density is given. So this is third type of question. Now fourth question on molarity. Molarity में fourth type question देखिए. आपको बोलेंगे calculate the molarity of pure water. Calculate the molarity of pure water. Pure water की molarity हमें calculate करनी है. देखो बेटे, वैसे तो ये question अपने आप में गलत है. This question is actually wrong at its own owners पे देखिए तो अपने आप गलत question है. Pure water का, what do you mean by pure water का? तो वो मतलब it is not actually a सही question. ये सही question नहीं है actually. ठीक है जी. But क्योंकि papers में आता है बेटे, तो हमें ये करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक, तो देखो बेटे कैसे करेंगे हम इसका. हमने मान लिया कि लेट द वेट ऑफ वाटर 100 ग्राम. आप जो भी मान सकते थे, 100 मान सकते थे, 200 मान सकते थे, या क्वेश्चन में कभी दिया हो, कोई भी वेट वाटर का दिया हो, कोई मर्जी, क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही होना है. डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर हम अच्छे से जानते हैं. डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर. प्योर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर हुआ करती है. ठीक, अब 1 ग्राम पर मिलीलीटर के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो हमें ये पता है कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी होगी, ठीक, वॉल्यूम निकालनी होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, वेट अपॉन डेंसिटी. तो वेट 100 है, डेंसिटी 1 है. देखा जाए वॉल्यूम भी हमारे पास कितनी आ गई, 100 मिलीलीटर ही आ गई. ठीक, तो एक्चुअली जब प्योर वाटर की बात करते हैं तो जो वेट होता वही वॉल्यूम होता है, जो वेट होता है वही वॉल्यूम होता है. और जब हम मोलैरिटीज की कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू आ जाएगा 1000. सो वेट इज 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज 18. वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज अगेन 100 इनटू 1000. सो 100 से कट गया 100, 100 से कट गया 100, तो 1000 अपॉन 18. आंसर इज 55.5 मोलर. वाटर का कोई मर्जी सैंपल हो, जितना मर्जी उसका वेट दिया गया हो, उसकी मोलैरिटी हमेशा ही ये रही. क्यों? क्योंकि प्योर वाटर की डेंसिटी 1 होने की वजह से उसका वेट और वॉल्यूम जो होगा वो सेम रहेगा. तो हमेशा वेट और वॉल्यूम कैंसिल हो जाया करेगा और हमेशा 1000/18 होगा. चाहे यहाँ पे 400 ग्राम वाटर दिया होता, चाहे 500 ग्राम वाटर दिया होता, चाहे 6000 ग्राम वाटर दिया होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वेट और वॉल्यूम हमेशा कैंसिल होता एंड ऑलवेज 1000/18 ही आता, तो मोलैरिटी 55.5 होता. सर क्वेश्चन गलत क्यों है? बड़ा सिंपल बात है, बड़े आराम से बोल दिया किसी ने भी कि इट इज 55.5 मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर. क्या ये सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन है? मोलैरिटी होती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ, मोलैरिटी होती है वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये तो हमने सिर्फ क्या किया, हमने 1000 ग्राम ऑफ वाटर के क्या निकाल दिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए. इसमें इतने नंबर ऑफ मोल है, 1 लीटर को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया है. तो ये तो 1 लीटर का मोल में कन्वर्ट किया, ना कि मोलैरिटी है. मोलैरिटी सॉल्यूशन के लिए होती, बट येट क्योंकि अंधे बहरे गूंगों का देश है, ठीक, इसलिए ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आपको मैं पीछे नहीं रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया. उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया. आ गया बेटा, सो आगे चलते हैं. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ पढ़ते हैं इसी पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की जहां तक बात करें, हमसे बोला जाता है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्म्ड इन ओस्टवॉल्ड प्रोसेस having density 1.29 ग्राम पर मिलीलीटर। अब जैसे हमने एक्सेल का किया था वैसे कर सकते थे, पर वो तब कर सकते थे जब हमें ये चीज ना दी होती, हमें ये बताया गया किस प्रोसेस में बना है। और मैं तुम्हें ये बता देना चाहूंगा कि उस वाले प्रोसेस से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है या ये क्वेश्चन अजीब क्यों है, इसलिए क्योंकि इसमें दो चैप्टर्स की नॉलेज लगती है। ओस्टवॉल्ड प्रोसेस में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बनता है, उसकी कंसेंट्रेशन 68% होती है। ये यहां छुपा हुआ है जो बताया नहीं गया, इस वजह से हम ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ठीक, अब बाकी तो इजी है। अब 68% का मतलब क्या है? What do you mean by 68%? बेटा 68% का है 68 ग्राम ऑफ 68% का 68 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नॉट डेंसिटी भी दी है तो फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, तो सीधे मोलैरिटी आ जाएगी 68 डिवाइडेड बाय 63। वॉल्यूम दिया गया है हमारे पास कितना, वॉल्यूम की जगह वेट दिया 100, डेंसिटी है 1.29 इनटू 100, सो दैट इज हाउ यू इनटू 1000, दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? ओके। अब बिफोर गोइंग टू फर्दर क्वेश्चन ऑफ मोलैरिटी, पहले हमें करनी होंगे मोलैरिटी इक्वेशंस, क्योंकि जब तक हमें मोलैरिटी इक्वेशन नहीं आएंगी तो फर्दर क्वेश्चंस ऑन मोलैरिटी हमें नहीं आएंगे। ठीक, ये तो सिंपल था। देखो मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया जब वेट वॉल्यूम दिया हो, ठीक, दूसरा क्वेश्चन करा दिया परसेंटेज स्ट्रेंथ दी हो, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको जब सिर्फ डेंसिटी दी हो, ओनली डेंसिटी, चौथा क्वेश्चन वॉटर का बता दिया, पांचवा क्वेश्चन नाइट्रिक एसिड का मैंने बताया स्पेसिफिकली। ठीक, अब बाकी क्वेश्चन जो है वो कंसेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी के बेस्ड ऑन द मोलैरिटी इक्वेशन है। तो अब अगली चीज हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी इक्वेशन, और फिर करेंगे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। जो बच्चे मेरे पास नए हैं, ठीक, उनको शायद नहीं पता होगा, जो पुराने हैं उन्होंने तो कभी शायद देखा भी होगा क्योंकि उनको पिछले साल भी करवाया था, पर जो नए हैं बेटा, जो मोलैरिटी इक्वेशन करवा रहा हूं ना, अपने आसपास किसी की भी कॉपी में चेक कर लेना, अगर ऐसा मिलेगा मेरे को बता देना, मैं पढ़ाना छोड़ूंगा। सो हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी इक्वेशंस। लोग सिर्फ दो मोलैरिटी इक्वेशन करवा के खुश हो जाते हैं, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 बस, ठीक, या M1 V1 plus M2 V2 बस। ये पता ही नहीं है कि कितनी तरह के मोलैरिटी इक्वेशंस होती है। तो प्लीज सी, मोलैरिटी इक्वेशन करते हुए सबसे पहली बात हमें देखनी है कि हो क्या रहा है। नंबर वन, वेदर डाइल्यूशन इज डन, इफ ओनली डाइल्यूशन इज डन, if only dilution is done, or या फिर mixing of solutions is done, दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम सिर्फ dilution करें और यहां mixing of solution कर दें, ये दो चीजें possible है।
if only dilution can be done, is done, or if you can say mixing of solution is done. ये दो चीजें हैं. सबसे पहली बात है अगर dilution हुई. If only dilution is done, तो modality we will use this m1 b1 is equal to m2 v2. ऐसा क्यों है थोड़ा इसको समझना हमारे लिए जरूरी है. बेसिकली m into v जो होते हैं अगर v लीटर में हो तो ये मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि बाय डेफिनेशन मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम. तो भैया वॉल्यूम अगर मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. वहीं पर अगर मैं इसको m into v तो लिखता पर इन मिलीलीटर लिखता तो ये मिली मोल्स कहलाते, मिली मोल्स कहलाते. तो जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो क्या हम सॉल्यूट के मोल चेंज कर रहे हैं? वेदर वी आर चेंजिंग मोल्स ऑफ सॉल्यूट? नो, नॉट एट ऑल. इस वजह से हमारे पास नंबर मोल सेम रहेंगे, डाइल्यूशन से बाद भी, डाइल्यूशन के बाद भी, डाइल्यूशन से पहले भी, डाइल्यूशन के बाद भी. क्यों? हमने वो तो डाला ही नहीं, इसलिए m into v का प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम बिकॉज इट इज नंबर ऑफ मोल्स. ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बना, ध्यान देना इधर. हमें क्वेश्चन दिया है 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl is added 90 milliliter of water. Find the final molarity of solution. 10 milliliter of 0.1 molar HCl is added, 90 milliliter of water. Find the final molarity of solution. See, यहां पर इनिशियल मोलैरिटी m1 क्या था, m1 गिवन वाज 0.1 एंड v1 क्या था, 10 मिलीलीटर. m2 वी हैव टू कैलकुलेट ओवर हियर एंड व्हाट इज v2, यस टेल मी v2 कितना होगा यहां पर भव्या, व्हाट इज v2 ओवर हियर मिस भव्या? So V2, 10 मिलीलीटर पहले था, 90 मिलीलीटर हमने ऐड किया, तो 10 प्लस 90 कितना हो गया, 100. So we had 100 मिलीलीटर. तो अब हमें पता है M1 V1 is equal to M2 V2 होता है. अब हमें पता है M1 V1 is equal to M2 V2 होता है. हमें M2 निकालना है. So M2 is M1 V1 upon V2. M1 V1 upon V2. M1 कितना भाई हमारे पास बोलो? M1 is 0.1. V1 is 10. V2 is 100. तो सॉल्व करके 0.01 मोलर आ गया. See, यहां से ये क्लियर होता है आप जितने टाइम वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतने टाइम मोलैरिटी कम हो जाएगी. वॉल्यूम को डबल करोगे मोलैरिटी हाफ हो जाएगी. वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ाओगे मोलैरिटी 1/10 हो जाएगी. वॉल्यूम 5 टाइम्स बढ़ाओगे मोलैरिटी 1/5 हो जाएगी. उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेफिनेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. ठीक है भाई. सो ये पहली तरह का क्वेश्चन है based on m1 v1 is equal to m2 v2. Have you noted that? Okay. So, ye simple equation hai. This is a very very simple equation. m1 v1 is equal to m2 v2. Now, dusri equation. Jab mixing of solution ho.
और जब सॉल्यूशन की मिक्सिंग होगी तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना होगा कि वो सॉल्यूशन कैसी है, वेदर दे आर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस और वेदर दे आर रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, whether they are non-reacting solutions or whether they are reacting solutions, दोनों में से क्या है? पर सर पहले तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हाँ reacting कौन सी और non-reacting कौन सी। देखो बेटे, अगर कभी एसिड को एसिड में डालोगे तो क्या एसिड और एसिड रिएक्ट करेगा? जनरली डू नॉट। वहीं पे अगर बेस को बेस में डालोगे तो क्या वो रिएक्ट करेगा? वेरी 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 लेस चांसेस, अदरवाइज दे डू नॉट रिएक्ट। ठीक। और अगर मैंने किसी एसिड को बेस में डाल दिया तो क्या वो रिएक्ट करेगा? डेफिनेटली यस इट विल रिएक्ट। तो बेसिक बात हमारे पास क्या आ जाती है? बेसिक बात हमारे पास ये आ जाती है कि रिएक्टिंग कौन सी और नॉन रिएक्टिंग कौन सी सॉल्यूशन, ये पहले हमें छांटना है। हाँ, अगर वैसे कोई रिएक्टिंग है वो वैसे ही इक्वेशन लिख के दे दिया जाता है कि इसने रिएक्ट करके ये बनाया, थर्मोडायनेमिक निकाल, तो पहले नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब दो या तीन या चार नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए तो इट्स फाइनल मोलैरिटी मस्ट बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। M1 इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1, V1 इज इट्स वॉल्यूम, M2 इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 व्हिच इज मिक्स्ड, V2 इट्स वॉल्यूम, अगर तीसरी भी होती प्लस M3V3 कर दे, और डिवाइडेड बाय V जो है, यहां V हमारा फाइनल वॉल्यूम है। Now say, if final volume is not given, ठीक, अगर final volume दी नहीं, if final volume not given, बहुत जगह ऐसा हो सकता है final volume दी ना हो, तो obviously then final M will be equal to M1V1 plus M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो जो वॉल्यूम्स ऐड किए हैं उसको सम करके फाइनल वॉल्यूम निकाल दो, तो सिंपल बात हो जाएगी। उसको सम करके फाइनल वॉल्यूम निकाल दोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दे दिया, हमें बोल दिया टू 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl, 90 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HBr इज एडेड, फाइंड द फाइनल मोलैरिटी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, Also find the molarity if final volume is made up to 2 liter। ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन है। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में M1 HCl का ले लिया इस 0.1, V1 HCl का 10 मिलीलीटर, M2 HBr का ले लिया 0.2 और V2 90 मिलीलीटर। अब फाइनल मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? क्या यहां पे फाइनल वॉल्यूम दिया है? सर नहीं दिया है। ऑब्वियसली M1 V1 प्लस M2 V2
डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू होगा, मतलब 0.1 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 90 100. Solve this question, you can calculate your answer very easy. On the other hand, इसी में अगर आपसे पूछ ले जाए find the molarity when final volume is 2 liter. अभी final volume 2 liter दे दिया गया, तो m1 given is 0.1, v1 given is 10, m2 given is 0.2, v2 given is 90. And final V is also given 2 liter. But mind it, as these are in milliliters, so this ought to be in milliliters. Same rehna chahiye. To isko 2000 milliliter likh sakte ho tum log. To ab aa gaya m is equal to m1 v1 plus m2 v2 divided by final V. M1 is 0.1, V1 is 10, plus M2 is 0.2, V2 is 90, divided by total volume 2000 milliliter. Total volume is 2000 milliliter. So solve this question and calculate your answer, please. Bolo bhai. दोनों तरह के क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, जल्दी बोलना यस और नो. तो ये हो गया जब नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस. अब हम बात करते हैं अगर रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, अगर सॉल्यूशंस रिएक्टिंग हुए, ये मिटा रहा हूं इस साइड से. नाउ इफ सॉल्यूशंस आर रिएक्टिंग, तो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस में फिर से आगे दो केस आ जाएंगे. ये दो केस हैं, इधर वी हैव इनकंप्लीट रिएक्शन, incomplete reaction, or we have a complete reaction. क्या हमारे पास reaction complete हो चुका है और या फिर incomplete है, कोई एक चीज ज्यादा है? अगर तो reaction complete है तो आएगा m1 v1 upon n1 is equal to m2 v2 upon n2. सर ये n1 n2 क्या है? ये जो n1 n2 है बेटा, these are called as stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficients of a balanced chemical equation. किसी balanced chemical equation के stoichiometric coefficient होते हैं. जैसे question देखिएगा तभी समझ में आएगा. हमें कहा what volume of 0.2 molar H2SO4 is needed to completely neutralize. What volume of 0.2 molar H2SO4 solution is needed to completely neutralize ₹100 milliliter of 0.1 molar NaOH solution? सबसे पहली बात जो हमें यहां पे देखनी थी बेटा, वो ये देखनी थी कि हमारे पास रिएक्शन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, तो बड़े अक्षरों में लिखा है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, यानी कंप्लीट रिएक्शन है.
अगर रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हो तो बेटा मोलैरिटी के केस में बिना इक्वेशन के नहीं चलेगा, पहले इक्वेशन लिखनी हो। हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन थी H2SO4 प्लस NaOH विल गिव अस Na2SO4 प्लस वॉटर। नाउ वी विल बैलेंस दिस इक्वेशन, इसका अगर टू लगाएंगे, यहां टू लगाएंगे, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ ऐसे केस में हमारे पास इसका M1 गिवन है 0.2 और इसका V1 हमें निकालना है, ठीक। इसका N1 कितना है बेटे बताओ, इसके आगे कुछ लिखा है क्या? इसके आगे कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। नहीं लिखा मतलब एक ही मोल रिएक्ट कर रहा है, तो M1 आ गया 1 क्योंकि एक ही मोल रिएक्ट कर रहा है। यहां M2 इज 0.1, V2 100 मिलीलीटर और N2, अभी बोलो N2 क्या है, इसके आगे क्या लगा हुआ है? ये होता है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सो दैट इज 2। जिसके आगे कुछ ना लगा हो वो 1, अदरवाइज जो भी लगा होगा वो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एंड फॉर्मूला यूज्ड वी नो M1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2। सो M1 हियर इज 0.2 एंड V1 इज V1, N1 इज 1, M2 हियर इज 0.1, V2 is 100, N2 is 2. So you can definitely solve this for V1. आपको यहां V1 निकालना है, तो 0.2 into 100 divided by 2, ये नीचे आ गया 0.2. So you can solve it very easily. बोलो clear or not? हाँ जी, किसको कुछ पूछना है? यस बोलो बेटा, जिसने भी हाथ खड़ा किया बोले। हाँ जी अनिश जी, बोलो बोलो। देखो भाई सर, नेट लैग हो गया था इसमें। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि आपका फॉर्मूला N1 V1 upon N1 is equal to M2 V2 upon N2 है। M1 हमारे पास ये है, V1 हमने क्वेश्चन दिया था इसका कितना वॉल्यूम चाहिए ताकि वो इसको न्यूट्रलाइज करे कंप्लीटली। इसका M1 है 0.2, V1 पता है करना है हमें, N1 इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 हो, एक मोल रिएक्ट कर रहा है। M2 इसका दिया है 0.1, V2 इसका दिया 100, N2 इसके आगे लिखा है 2, तो N2 2। अब पुट करो, V1 निकाल लो, तो कैन यू कैलकुलेट V1 नाउ? यस सर। तो उसमें आपने क्वेश्चन करवाया था सर कि 100 ml ऑफ NaOH न्यूट्रलाइजेस विद दिस सर, तो उसमें हमें फाइंड करना था कि कौन से सबसे ज्यादा हीट देगा सर। तो इस केस में सर वो 50 ml होना चाहिए ना सर, उस हिसाब से मिली वो जो हम निकालते हैं नॉर्मैलिटी से। बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। उसका रीजन क्या है? इट इज वेरी सिंपल, वो इक्विलेंट्स के हिसाब से चलेगा ना, तब भी यही आएगा। अगर तुम इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दोगे ना मोलैरिटी को, तो 0.2 का 0.4 बन जाएगा, तब भी आंसर वही आएगा। आंसर चेंज हो नहीं सकता है, ठीक। सो चाहे मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कर लो, तब भी आंसर नहीं चेंज हुआ करता बेटे, वो तुम्हारी मतलब सोच में अभी गड़बड़ है। सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट द सेम आंसर डन, कोई नई बात नहीं। चलिए, अब ये तो क्वेश्चन था बेटा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का। अब अगली कहानी हमारे पास, कभी कभी रिएक्शन इनकम्प्लीट होता है। नाउ व्हाट यू मीन बाय इनकम्प्लीट रिएक्शन? मेनी टाइम्स हमारे पास एक चीज ज्यादा और एक चीज कम हो सकती है।
अगर एक चीज ज्यादा एक चीज कम हो तो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा, एक चीज कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगी, एक चीज बच जाएगी। तो जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो या इनकम्प्लीट, यानी इनकम्प्लीट रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि आधा रुक गया, मतलब एक चीज खत्म हो गई पर ये कभी भी बची है, तो फिर आगे दो चीजें हैं, या तो हमें लेफ्ट ओवर बचे हुए सब्सटेंस की मोडालिटी पूछेंगे और या फिर हमें प्रोडक्ट की मोडालिटी पूछेंगे, या तो बचे की लेफ्ट ओवर की और या तो प्रोडक्ट की पूछेंगे। लेफ्ट ओवर की कैसे निकालेंगे? देखो बेटे, वैसे तो तुम्हें समझा देता हूं, इधर ध्यान देना, पेन छोड़ लेना, समझ लेना पहले। जो ये हमने जो पढ़ा है mv upon n, ये बेसिकली इक्विवेलेंट्स होते हैं which are going to react, and one equivalent always reacts with one equivalent, always, ठीक है? वैसे तो ये वही होता है, ठीक, but yet अगर हम देखें तो बेसिकली जो बची हुई चीज होगी उसका, अभी लेफ्ट ओवर की बात कर रहे हैं, उसका मोलैरिटी वॉल्यूम अपॉन एन, यानी उसके इक्विवेलेंट्स, जो चीज एक्सेस में थी m1 v1 अपॉन n1 माइनस m2 v2 अपॉन n2, हम ऐसे निकालेंगे और इसमें ये जो लेंगे ये वो लेंगे जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा तो बचा भी यही होगा, अगर बचा ये होगा तो यहां n n1 होगा, अगर बचा ये होगा तो यहां n एन वन होगा और ये वाला वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम होगा। अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया होगा तो वी वन प्लस वी टू कर देंगे, फाइनल वॉल्यूम वहां से निकल जाएगा और होगा वही। अब देखो बहुत इजी है कि जब आप इसको निकालोगे फाइनल मोडेलिटी ऑफ लेफ्ट ओवर तो आ जाएगा बड़े में से छोटे को माइनस किया, ठीक है जी, ये वाला एन इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला फाइनल वॉल्यूम नीचे चला गया, यहां एन वन हो गया, यानी दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाइड हियर एंड दिस वॉल्यूम गोज हियर, सो मोडालिटी ऑफ लेफ्ट ओवर विल बी एम वन बी वन बाय एन वन माइनस एम टू बी टू बाय एन टू डिवाइड बाय फाइनल बी इन टू एन वन, ठीक है? सो दिस इज लेफ्ट ओवर, ठीक, और प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट तो उसी का बनेगा बेटा जो कम से कम होगा, उसी से लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम होता है, तो इसके इक्विवेलेंट्स के बराबर प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होंगे, यानी हम लिखते हैं एम टू बी टू अपॉन एन टू शुड बी एम ओ प्रोडक्ट वी फाइनल बाय एन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो देखो भाई, जैसे क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि ये चीज तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए, ये क्वेश्चन एक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक, हमारे पास ये कैसे आएगा? हमारे पास ऐसा आएगा, से आपको बोला 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH H2SO4 is added 400 milliliter of 0.2 molar NaOH. Find the molarity of number one left over बचे हुए सब्सटेंस की, नंबर टू प्रोडक्ट, ठीक। मैंने कहा कि जब कभी भी रिएक्टिंग इक्वेशंस हो तो पहले तो हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है, H2SO4 प्लस NaOH गिविंग अस Na2SO4 प्लस 2 वाटर। See, इसकी मोलैरिटी हमें गिवन है, अभी वन वन नहीं लगा रहा,
जब इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है वन नहीं लगाना जब तक हमें ये ना पता चल जाए ज्यादा कौन है। तो मोलैरिटी यहां पे दे रखी है कितनी 0.1, वॉल्यूम यहां दे रखा है कितना 100, एन यहां पे कितना है 1। ठीक, इसकी मोलैरिटी हमारे पास दे रखी है 0.2, वॉल्यूम दे रखा है 400 और एन है 2। तो पहले इसका यूज कर लेते हैं, एम वी अपॉन एन निकाल के रख लेते हैं। एक्स प्लस ओ फोर का आएगा 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 10, यानी इसका हमारे पास 10 आ गया। और इसका आएगा 0.2 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 2। सर पहले बैलेंस ही करना, बैलेंस कर दिया बेटा मैंने, I have already balanced it or not? Yes, sir. So, बेटे अब यहां पे आ गया 40। अब obviously ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है बेटा, ज्यादा NaOH है, NaOH ज्यादा है तो उसके पीछे 1 1 1 लिख दो। H2SO4 कम है तो उसके पीछे 2 2 2 लिख दो। ठीक, पहले हमने ऐसे निकाल लिया, जो ज्यादा वाला है उसके आगे 1 1 1, जो कम वाला है उसके आगे 2 2 2। तो अब देखो भाई, अब हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट ओवर निकालना था तो m इज इक्वल टू m1v1 अपॉन n1 माइनस m2v2 अपॉन n2 डिवाइडेड बाय फाइनल v इनटू n, वो भी n1। ये हम निकाल चुके हैं कितना है 40 माइनस ये निकाल चुके 10। टोटल वॉल्यूम बेटा 100 ये 400 ये यानी 500 इंटू n1 कितना है 2। तो ये मोलैरिटी आ गई बेटा लेफ्ट ओवर। ठीक है जी, दिस इज मोलैरिटी ऑफ लेफ्ट ओवर। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, क्विकली। अब देखो आगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की निकालेंगे m2v2 अपॉन n2 इज इक्वल टू m ऑफ प्रोडक्ट v फाइनल n ऑफ प्रोडक्ट। ये सॉल्व कर रखा हमने कितना 10। मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें निकालनी है, फाइनल वॉल्यूम 500 है और एन ऑफ प्रोडक्ट यहां पे क्या है 1। तो भैया मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट आ गई 10/500। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। सो हाउ मेनी इक्वेशंस यू हैव डन टू दिस पर्टिकुलर मोलैरिटी इक्वेशंस, कितनी तरह की थी। ठीक, देखो भाई अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि मोलैरिटी इक्वेशंस आती हैं तो कहना सर आपसे ज्यादा, बोलेंगे अच्छा तो सुनाओ, तो कहना सर पहले ये बताओ कि आप डाइल्यूशन करवाना चाहते हो कि मिक्सिंग करवाना चाहते हो। भाई साहब बोलेंगे जी डाइल्यूशन करके बता दो, तो बोलना m1v1 m2v2। बोला अच्छा चलो मिक्सिंग करके बता दो, कहना सर ये बताओ रिएक्टिंग सॉल्यूशन है नॉन रिएक्टिंग है। बोलेगा ये क्या मजाक है, चलो नॉन रिएक्टिंग है। तो कहना सर नॉन रिएक्टिंग है तो ये बताओ फाइनल वॉल्यूम गिवन है कि नहीं गिवन है। अगर फाइनल वॉल्यूम गिवन है तब हम निकालेंगे m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय फाइनल v, और अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं गिवन है तो m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 से निकाल लेंगे सर। बोलेगा अच्छा तो चलो रिएक्टिंग का बता दो, बोला सर ये बताओ आपने कभी की है तो ये बता दो कंप्लीट रिएक्शन है कि इनकम्प्लीट है। कहेगा चलो कंप्लीट का बता दो, तो कहना m1v1 by n1 is equal to m2v2 upon n2। बोलेगा ये n1 n2 क्या है, कहना सर ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते, दीज आर नॉट n फैक्टर्स, ये रिस्पेक्टिव चीज के n फैक्टर नहीं है।
ये क्या है, ये बेसिकली स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बोलेगा अच्छा इतना कॉन्फिडेंस, तो चलो फिर बताओ लेफ्ट इनकम्प्लीट का कैसे देखेंगे। बोला सर ये बताओ लेफ्ट ओवर की निकालना चाहते हो प्रोडक्ट की, तो लेफ्ट ओवर की निकालनी होगी बचे हुए सब्सटेंस की, तो हम एम वन बी वन डिवाइड बाई एम वन माइनस एम टू बी टू डिवाइड बाई एम टू डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम वी इंटू एम वन कर देंगे। और अगर प्रोडक्ट की निकालनी होगी तो सर हमारे पास आएगा एम टू बी टू अपॉन एन टू इज एम ओ प्रोडक्ट वी ओ प्रोडक्ट बाई एन ओ प्रोडक्ट। ठीक, बंदा ये सुनकर बेहोश हो जाएगा क्योंकि उसको सिर्फ दो ही आती थी। तो इस तरह से बेटा मोलैरिटी इक्वेशन हमने कंप्लीट की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर लेफ्ट ओवर में आखिरी में n1 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं एक बार वो बता दो। क्योंकि बचे जो बचा होगा उसी का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा ना। ओके सर, तो बचा हुआ कौन सा है? जो बड़ा है, बड़े का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? n n1। क्लियर? यस सर। अब बेटे अगला जो क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं ये मोलैरिटी का सबसे लास्ट नंबर का क्वेश्चन, सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन, मोलैरिटी का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ मोलैरिटी, सी ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे विदाउट अ ट्रिक, बहुत इजी। हमें कहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 हैविंग डेंसिटी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 हैविंग डेंसिटी 1.25 ग्राम पर, रादर 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर कैन बी यूज्ड टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ 20% H2SO4 हैविंग डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 हैविंग डेंसिटी 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर कैन बी यूज्ड टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ 20% H2SO4 हैविंग डेंसिटी दिस। पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, पर अगर समझ में आना है तो कैसे आना है? देखो बेटे, इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक ये H2SO4 सॉल्यूशन है और इसका हमारे पास 80% H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर है। मैंने एक नया सॉल्यूशन बनाना है, ठीक, जिसमें H2SO4 20% हो और इसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर हो। इसका कितना वॉल्यूम यहां ऐड करूं, किसके अंदर? वाटर के अंदर, ताकि ये बना सकूं। बनाना कितना है इसका? इसका 1 लीटर बनाना है, तो ऑब्वियसली कुछ ये कुछ वाटर डालेंगे तो ये बनाना है। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है? देखो बेटा, दो तरीके। पहले तो करेंगे लड्डू अप्रोच, जो एक्चुअली सारे करते हैं, लड्डू अप्रोच। देखो बेटा, लड्डू अप्रोच में तो क्या है कि आप सिंपल सा काम करो, 80% H2SO4 ये जो है इसकी मोलैरिटी निकाल लो, इट्स मोलैरिटी इज कैलकुलेटेड, और 20% H2SO4 ये जो ऊपर दिया है विद डेंसिटी इसकी भी मोलैरिटी निकाल लो। इसका वॉल्यूम हमें 1 लीटर दे रखे हैं, ठीक, और इसका हमारे पास वॉल्यूम चाहिए,
उसकी बोला है कि कैलकुलेट करो और बाद में लगा दो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, तो यहां से तुम्हारे पास वी वन आ जाएगा किसके कितनी वॉल्यूम चाहिए। ठीक, ये पहला तरीका है। क्या किया, इसकी मोलैरिटी अलग से निकाली, निकालनी आती है ना भाई, जब परसेंटेज दिया हो और डेंसिटी दिया हो तो इसकी अलग से निकाली, इसकी अलग से निकाली और फिर m1 v1 m2 v2 लगा करके निकाल दिया, है ना बेटा। तो बोलो लड्डू अप्रोच समझ में आई कि नहीं आई। पर क्या तुम लड्डू हो, तो स्मार्ट अप्रोच पे हो। बेसिकली इसमें अपने तीन स्टेप हो गए, पहले इसकी मोलैरिटी निकालो, फिर इसकी मोलैरिटी निकालो, फिर इधर पुट करो, कैलकुलेशन का टाइम ज्यादा, ठीक, और टाइम ज्यादा लग गया, हम पीछे रह गए। अब देखो इधर ध्यान देना, पेन छोड़ो समझ लो, हमें बनाना ये है, ठीक। अब इसमें से हम देख लेते हैं एक्सो सुपोर का कितना वेट चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ 20% H2SO4 नीडेड कितनी, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर। अगर 500 की होती 500 ले लेते जितनी की होती, यहां 1 लीटर दे रखा है। इसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो इस सॉल्यूशन का वेट निकाल लो, वेट ऑफ सॉल्यूशन वो आना था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम था 1000, डेंसिटी 1.25, 1250 ग्राम। इसमें वेट ऑफ H2SO4 कितना चाहिए, 20% चाहिए, 20% यानी 20% 20/100 ऑफ टोटल वेट, सो दैट इज 250। तो अपने को 250 ग्राम H2SO4 चाहिए, इसमें सारी सॉल्यूशन में 250 ग्राम H2SO4 चाहिए। हमने मान लिया कि लेट इसका वॉल्यूम V यूज हो रहा है, तो इसका भी ऐसे निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 से V, पता नहीं है ना ये निकालना है, डेंसिटी 1.8, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यानी 1.8 वी, और इसमें H2SO4 कितना बेटा 80%, उसमें वेट ऑफ H2SO4 इज 80/100 इनटू 1.8 वी, ये वेट H2SO4 का हमारे को यहां से मिलेगा। और ये होना कितना चाहिए, इतना चाहिए तभी तो सॉल्यूशन बनेगी, सो दिस मस्ट बी इक्वेटेड देयरफॉर इनटू 1.8 वी शुड बी इक्वल टू 250। जिस सॉल्यूशन को हमें बनाना था उसमें H2SO4 का वेट निकाल लिया, और जिससे बनाना था उसमें H2SO4 का वेट निकाल के वॉल्यूम्स के टर्म में, क्योंकि वी हमें पता नहीं था इसका कितना चाहिए, वॉल्यूम की टर्म में निकाल के यहां पुट कर दिया। ये 2 स्टेप में हुआ, ये 3 स्टेप में होगा, ठीक। अब ये जो वॉल्यूम आ गया सॉल्व करके जब हमने निकाला, ये 176.3 मिलीलीटर आंसर आ गया। बोलो भाई समझ में आया ये अप्रोच भी, जल्दी बोला जल्दी। यानी हमने 20% H2SO4 की डेंसिटी लेके पहले उसका वेट निकाला, उसमें से H2SO4 का वेट निकाला जितना हमारे को चाहिए इस 1 लीटर में, और इसका हमने V वॉल्यूम मान करके उसका H2SO4 का वेट निकाल के 250 के बराबर लाना था, वो हमने पुट कर दिया, V निकाला। मान लो ये क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं, इसमें बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉटर यूज निकालो, वॉल्यूम ऑफ वॉटर यूज, तो कितना सिंपल था, टोटल सॉल्यूशन कितनी चाहिए तुम्हारे को 1 लीटर,
और इसका वॉल्यूम यूज हुआ इतना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज इज 1000 चाहिए था, 173.6 इसका यूज हो गया, तो बाकी वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज आ गया। बोलो भाई वॉल्यूम समझ में आ गया कि नहीं? एक लीटर चाहिए था ना, पर इसका तो सिर्फ इतना ही यूज हुआ, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो बाकी वॉल्यूम किसका चाहिए? वाटर ही तो चाहिए। ठीक, अब इससे भी एक स्टेप आगे, आपको अगर ये पूछ लेते वेट ऑफ वाटर यूज, वेट ऑफ वाटर यूज, देखो भाई ये जो 20% सॉल्यूशन है उसका टोटल वेट हमें चाहिए 1250। ठीक, वेट नीडेड 1250, और इसका वेट हमने कितना डाला, वेट ऑफ 80% H2SO4 एडेड इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम था 173.6 और डेंसिटी सॉल्यूशन की थी 1.8, ये इसका वेट ऐड कर दिया, इसका वेट चाहिए इतना था, तो वेट ऑफ वाटर नीडेड कितना, वेट ऑफ वाटर चाहिए था 1250 टोटल चाहिए था, उसमें से इसका कितना ऐड किया 173.6 into 1.8, बाकी वेट किसका वाटर का। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन रन्स टू द वेट, जिसने जाना जा सकते खत्म हो गया वैसे। तो दिस क्वेश्चन रन्स टू द वेट, देखो हमने पहले इसकी वॉल्यूम निकाली, फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर भी निकाल ली, फिर वेट ऑफ वाटर नीडेड भी हमने निकाल दिया कितना चाहिए, अगर इस सॉल्यूशन का वेट चाहिए होता उसको भी निकाल सकते थे। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन ऑफ मोलैरिटी। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल मोलैरिटी टुडे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में आगे चलते हैं। थैंक्स लॉट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्सक्यूज मी सर।